हमीरपुर जिला में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के चलते हमीरपुर जिला में कई जगहों पर संपर्क मार्ग पर लहासे गिरने के समाचार प्राप्त हुए हैं, तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव होने से डंगे क्षतिग्रस्त हुए हैं। भोरंज उपमंडल के ब्लोखर गांव के पास डंगा गिरने से ऊना से जाहू राजमार्ग कुछ समय के लिए बंद हो गया, लेकिन फिलहाल इस मार्ग को स्थानीय लोगों की सहायता से बहाल किया गया। वहीं रसवानी गांव में भी सड़क का पानी घरों में घुसने से ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है और प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि रात भर से हो रही तेज बारिश के चलते बलोखर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लहासा गिरने से वाहनों को यातायात में असुविधा का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर रसवानी गांव में भी राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क का पानी घरों में घुसने से ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है और प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क किनारे नालियां बनाई जाए ताकि सड़क का पानी घरों में न घुसे। उन्होंने बताया कि घरों के साथ पशुशालाओं को भी बारिश के पानी से खतरा बना हुआ है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि हर बार बारिश के पानी की वजह से नुकसान होता है, लेकिन बार बार प्रशासन से गुहार लगाने पर भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। और ये भोटा टू जाओ मेन हाईवे है और ये ब्लोखर है, मतलब पीछे जो भी सारा पानी हो यहाँ इकट्ठा होता है नाली से, इतने नाली नहीं पड़ी हुई है और सारा पानी इकट्ठा हो रहा है और गाड़ी जा रही है, सारा पानी ऊपर फेंक रहे हैं, कोई देख नहीं जा रहा है, स्पीड से जा रही सारी गाड़ियाँ पानी ऊपर फेंक रहे हैं और सारा पानी इकट्ठा हो रहा है। नीचे की साइड सारा पानी जा रहा है, घरों की साइड भी सारा पानी नीचे बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रबंध चाहिए इसका, मतलब कर नहीं रहे हैं कुछ भी नहीं और देख ही रहे हैं सभी, समाधान कोई नहीं इसका। प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है कि यहाँ पे नाली लगाई जाए और नीचे भी सारा पानी जो इकट्ठा हुआ वो उसका प्रबंध हुआ जाए किया जाए, ये जो है सारा पानी नुकसान हो रहा है। तो हमारी प्रशासन से ये उम्मीद है कि यहाँ पे नाली लगाई जाए और उसका प्रबंध किया जाए। हमारे को इस पानी का खतरा है भाई, मकान हमारा गिर जाएगा, तालाब बड़ा हुआ है और इसमें नाली बनाई जाए या इसको पानी को आगे पीछे किया जाए, नाली बनाई फिर पाए देंगे। और श्रीमान जी, ये लहासा जो है अभी सुबह मतलब भारी बरसात के कारण नीचे गिर गया है, जिसके कारण जो उन्ना जाऊ रोड जो है बंद हो चुका है। तो हमारी प्रशासन से मांग है जल्दी इसको खुलवाया जाए और एक रोड ऊपर भी थोड़ा गाँव के लिए जाता है वो भी बंद होने के कगार पे है और साथ में एक दो मकान भी लगते हैं, उनको भी खतरा उत्पन्न हो गया इस डंगे के गिरने से। यही हमारी मांग है प्रशासन से, जल्दी इसकी कार्यवाही की जाए। सारा पानी इधर को कर दिया है, हम चाहते हैं भाई ये पानी परे को निकाल दो या आगे को निकाल दो कहीं, इतने हूँ हमने भी मकान बनाना तो हमारे कोई प्रदूषण नहीं है, ये पानी सारा अंदर बढ़ रहा है हमारे मकान का भी बुरा हाल है, हमारा सब पैसे का बुरा हाल है, क्या करें हम कहाँ जाएं। मांग हमारी ये है भाई ये पानी ना परे को कर दो भैया, तो उधर परे गारू को कर दो पर आगे जाके या इधर आगे ले जो नाली बना के उन्हें इतने बोलो तो इतने पानी हमने कहाँ लेना है। मकान हमने भी मकान बनाना, हमारा मकान भी है ये छोटा आगे पीछे का मकान बना, हम कहाँ जाएं, यही है हमारे पास जमीन और कुछ नहीं हमारे पास। ठीक है, यही जमीन है यही सब कुछ हमारे पास, का मकान वाला पानी भी लोगों ने हमारे सड़क में इतने घेर के बस अंदर अंदर कटे बस हम कहाँ जाएं।